ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आज की पांच बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। IIT बॉम्बे कैंपस में दो साढ़ों की लड़ाई में कक्षे नाम का युवक चपेट में आ गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। करीब दो महीना पहले ही इंटर्नशिप के लिए केरल से अक्षय आया था, मगर इन साढ़ों की लड़ाई में गंभीर रूप से घायल हो गया और इसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। डायरेक्टर ने BMC की मदद मांगी है और कमेटी की बैठक ली है कि ताकि इन आवारा जानवरों से छुटकारा मिल सके। मुंबई के गोरेगांव का रहने वाला दिव्यांशु अपने घर के सामने खेलते समय गटर में 10 जुलाई की रात को गिर गया था, मगर 2.5 साल के दिव्यांशु का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल सका। जबकि NDRF और BMC दमकल विभाग के कर्मचारी लगातार सर्च ऑपरेशन कर रहे थे, लेकिन अब सर्च ऑपरेशन को बंद कर दिया गया है। वहीं दिव्यांशु के पिता ने BMC पर लापरवाही का आरोप लगाया है और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। टिकटॉक वीडियो बनाने के चक्कर में युवक की जान चली गई है। मामला हैदराबाद का है, जहां एक 24 वर्षीय युवक टिकटॉक वीडियो बनाने के चक्कर में डूब गया और डूबने की वजह से उसकी मौत हो गई है। अक्सर देखा जाता है कि टिकटॉक वीडियो बनाने के दौरान हादसे होते हैं, मगर फिर भी लोग खतरनाक जगहों पर टिकटॉक वीडियो बनाने से बाज नहीं आ रहे। गाजियाबाद के ड्रासना के पास हाईवे के किनारे एक लड़की का लाश मिलने से हड़कंप मच गया है। लाश को देखकर पुलिस भी सहम गई। चेहरा बुरी तरह से पत्थरों से कुचल दिया गया था। लड़की के लाश के पास कोई भी दस्तावेज नहीं मिला कि उस लड़की का पहचान हो सके। फिलहाल पुलिस ने शव को पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बंगाल की खाड़ी में हुए नाव हादसे में करीब 25 मछुआरे समुद्र में डूब गए थे, मगर 4 दिन बाद भी बिना लाइफ जैकेट पहने हुए समुद्र में रविंद्रनाथ नामक मछुआरा तैरता रहा। पास से ही गुजर रहे एक नाव ने इसे मछुआरे को बचा लिया। इससे ये साबित होता है कि जाको राखे सया मार सके ना कोई। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम।